आधे घंटे का जाम है भी। ये भी I-20 को ठंडी कर रहे हैं। सफारी भी गई यहाँ तो निकल जाएगी। हाँ हाँ मुड़ जाएगी। अरे हाय कोई ये बताए क्या होगा भाई। मजे आ रहे हैं यार। Do you believe me that I'm a lonely soul? So guys, प्लान जो हमारा था ना कसौली जाने का था, जो मैंने आपको बताया था, बट यार बीच में हम सोच रहे थे कि साधुपुल चले, बस नोमैड कैंप्स भी जाने का हम सोच रहे थे। आधे घंटे का जाम है भी। चलो खैर देखते हैं आगे। और दूसरा जो सोलन वाला रास्ता है भाई, वो अभी भी रेड दिखा रहा है पूरा, तो वहां तो जाने का सीन अपना बनेगा नहीं। साधुपुर हम सोच रहे थे कि जाएं, बट वो सोलन वाले रास्ता वो बीच में ही पड़ता है, तो उस हैवी डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें अब अपना कैंपिंग है ना कसौली में प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं कसौली में क्या रहेगा अपना कैंपिंग साइट। और प्लान में एक और अपडेट है कि अपने साथ तीसरी गाड़ी भी जुड़ने वाली है। संदीप सर के दोस्त हैं, वो भी आ रहे हैं चंडीगढ़ से, तो फिर साथ में करेंगे। देखते हैं, उनका कैंपिंग का तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अपने पास तो RTT है, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। बाकी उनको होटल वगैरह रिजॉर्ट दिलाना पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा जाके, बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसलिए हम लोग कहते हैं लोगों को कि कैंपिंग करो। कैंपिंग सेटअप है ना, तो आप कहीं भी रुक सकते हो। क्या है कि लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स फुल है भाई। वो ट्राई भी कर रहे हैं कि कहीं पे बुकिंग मिल जाए, उनको कहीं भी बुकिंग नहीं मिल रही ना ऑनलाइन, कहीं पे बुकिंग नहीं मिल रही। मैंने कहा आप आ जाओ देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो खैर वो आ रहे हैं, उनके लिए भी देखेंगे कोई जगह। बाकी हम तो कैंपिंग ही करने वाले हैं। कसौली जा रहे हैं अब, यहाँ से सीधा साधुपुल वाला प्लान ड्रॉप हो गया है, तो चलो सीधे चलते हैं। बाकी यहाँ भी दीपक बता रहे हैं आधे घंटे का जाम है भाई। ये वॉकी टॉकी ना लिटरली बहुत हेल्प कर रहा है। चलो फिर आगे चलते हैं कसौली के लिए। बाकी कैंपिंग साइट वहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, मुझे भी आइडिया नहीं है। गया तो हूँ कसौली में बट कभी कैंपिंग नहीं करी, तो देखते हैं कोई बढ़िया सी लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पे बढ़िया वाली कैंपिंग करेंगे। वैसे तो हम थोड़ा लेट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ से 1.5 घंटा तो अपने को लगने वाला है कसौली पहुंचने में। बाकी कसौली जाके दिखाते हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, ये पूरा जाम ना ये पर्ची के लिए है, जो कि यहाँ से स्लिप कटती है ना हिमाचल के लिए, 70 रुपीज की ये स्लिप कटी है, तो उसी की वजह से जाम है। और यहाँ से दो है ना चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप है, इसकी वजह से व्हीकल थोड़ा धीरे धीरे चलता है। और देखो आगे अभी जाम में ही चल रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम और जाम में रहने वाले हैं। 6:10 तो हमें यहाँ पे हो चुके हैं, बाकी इससे आगे भी कसौली में 1 घंटा तो अपने को कम से कम लगेगा। अपनी थार बहुत आगे निकल चुकी है क्योंकि हम थे राइट वाली लेन में। दीपक पहुंच चुका है आगे, दिखाई नहीं दे रहा वो तो अपने को। प्लान है कि टाइमली हम पहुंच जाएं एक बार कसौली और वहां पे अपना कैंपिंग सेटअप कर। सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है अपने को कैंपिंग साइट ढूंढने में। बाकी चलते हैं, और यही भाई एडवेंचर रहता है हमेशा कैंपिंग के साथ कि आपको लोकेशन ढूंढने का, ऐसी लोकेशन जिसमें अच्छा व्यू आपको मिले, क्योंकि कैंपिंग का ना मेन मोटिव यही रहता है कि आप नेचर को फील कर पाओ। होटल्स में जाके तो कोई भी स्टे कर लेता है, मेन पर्पज यही है कैंपिंग करने का कि अच्छे व्यू के साथ आप कैंपिंग करो, तो उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी आई होप कि जल्दी मिल जाए, अगर जल्दी मिल जाती है तो अपने लिए भी बढ़िया है और आप लोगों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि हम अपना कैंपिंग सेटअप प्रॉपरली टाइम से खोल पाएंगे। सो गाइस मेन रीजन ना इस जाम को लगने का ना ये है, दो गाड़ियां ये सामने दिखाई दे रही है ना, ये वाली ये टाटा नेक्सॉन है, उसके आगे किया लगी हुई है। और इस गाड़ी को मेरे ख्याल से हीटिंग का इशू हो गया है। 4 लेन हाईवे है, अब 2 लेन तो ये चल रही है भाई, 1 लेन में ना गाड़ी अटकी हुई है और ऐसी आगे भी होंगी, तो यही रीजन रहते हैं जाम वाम लगने के। जो ये वाला रोड है ना बिल्कुल स्टीप है हिमाचल के लिए, जो स्लिप कटती है ना, धीरे धीरे चलती हैं गाड़ियां, जिसकी वजह से भाई ये हीटिंग के इश्यूज आ जाते हैं। ये देखो कब तक पहुंचेंगे, ये तो टाइम और ज्यादा लगने वाला है सर हमें। इस तरीके से तो लग रहा है कि बहुत लेट पहुंचेंगे, 9 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते कसौली वाले रोड पे लग जाए, उसके बाद तो आई थिंक नहीं मिलेगा। और एक रीजन ये भी है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों की तरफ, तो मेनली वो पंजाब चंडीगढ़ से लोग ना कसौली जाते हैं या मोरनी जाते हैं ना, मेन टूरिस्ट लोकेशंस यही रहती हैं। कसौली में तो मैंने ये भी देखा है लोग डिनर करने के लिए आए और घर वापस चले गए पंजाब से। पंजाब वालों के लिए तो बेस्ट है यार कसौली, मैं तो 2-3 बार गया हुआ हूँ भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन लगती है मेरे को तो कसौली। ये देखो बोलेरो खड़ी है, ये नई वाली है, न्यू है ये, किया की हालत देख लो भाई, ये देख लो सारी गाड़ियां ना ऐसे खड़ी हुई हैं, बहुत दिक्कत आती है भाई इस वाली जगह पे ना। और मेनली उनमें जो 4x4 ना हो, 4x4 में तो आराम से जाती है गाड़ी ऐसे। लो जी I-20 का भी काम हो गया भाई, ये भी I-20 को ठंडी कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी ले लो, पीछे जो 2 गाड़ियां गई है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां थी, एक और आगे खड़ी है स्विफ्ट। ऐसा ना हो शिमला के रास्ते बंद है कहीं, ये सारे कसौली ने जा रहे हो। ये हो गया तो अपनी वॉट लग जाएगी, कसौली पहुंचते पहुंचते हमें भी कल नहीं लग जाएगा। ये तो कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं लाइन से, नहीं भी एक गाड़ी गई, ये वाली गाड़ी देखो, वेन्यू गई उसके लेफ्ट में और राइट वाली भी गई, उसको धक्का देके निकालेंगे अभी यहाँ से। मैंने तो सर पहली बार देखा है लाइफ में इतनी गाड़ियां खराब हुई, पिछले टाइम आया था मैं तब भी लाइन लगी हुई थी। अच्छा यहाँ पे आके गर्म होती है।
सफारी भी गई यहाँ तो, टाटा महिंद्रा सबकी पोल खुली हुई है कि यहाँ कोई भी आ जाओ, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो यहाँ खड़ी ना हो। बस हमारी थार को छोड़ के, हमारी पजेरो को छोड़ के स्कॉर्पियो भी नहीं खड़ी हुई दिखी गई। पहाड़ों की रानी भी खड़ी। अरे पहाड़ों की रानी भी रुकी, हम तो कह रहे थे कि ऑल्टो ले लें इससे बेटर। तो भाई मेरे फोन के हो गए चार दिन खत्म, तो अपने को चाहिए डाटा केबल। भाई डाटा केबल दे दूं? चलो सर चलो। गाइस कसौली का मोड़ फाइनली आ ही गया है, मतलब 2000 साल के बाद हम पहुंच चुके हैं कसौली के इस मोड़ पे, और यहां से सीधा अपनी आगे चल रही है पजेरो, पीछे चल रही है मॉन्स्टर थार। गाइस और हम अपनी लोकेशन सर्च करेंगे, भाई यहां से व्यूज इतने अल्टीमेट आते हैं ना, सनसेट से हम थोड़ा सा लेट हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कभी तो मिलेगा ही। बाकी देखते हैं कल की कैंपिंग साइट अगर हम यही रखेंगे या आगे जाएंगे, वो आपको आगे पता चलेगी। बाकी अभी जाते हैं सीधा कसौली में और बढ़िया सी लोकेशन ढूंढते हैं और कैंपिंग करते हैं, नाइट कैंपिंग देखने को मिलेगी आज आपको फुल ऑन मजे के साथ। सो गाइस एक लोकेशन हमें मिली है कसौली में, बहुत ढूंढा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, लोकेशन अपने को मिली है कैंपिंग के लिए। बाकी देखते हैं, एक बार बात करते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे और फिर देखते हैं आगे का सीन। भाई रोड बिल्कुल देखना, सीन ही अलग है भाई, सीन ही अलग है। उतरता हूँ दीपक, बैग कर ले, बैग आराम से जाएगी यार अपनी, जाए दे बैग और जाएगी आराम से, ले ले। हाँ वो आ रही है ना पजेरो, आने दो। पजेरो निकल जाएगी? हाँ मुड़ जाएगी। बस जाने दे, आराम से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ले 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 ले, जाने दे। हाँ घुमा दे पूरी, जाने दे, गई। हाँ वो निकलवाता हूँ मैं। लो जी अब मेन टास्क है पजेरो निकालना, क्योंकि थोड़ी लंबी गाड़ी है। इधर से घुमाओ थोड़ा सा, कॉर्नर से मत लो, थोड़ा इधर से लो। बस, सीधी आने दो, काट दो, एक मिनट, सीधी आने दो। हाँ सीधी आने दो, अभी जगह है यहाँ पे, आने दो। सो गाइस फाइनली अपनी कैंपिंग साइट अपने को मिल चुकी है और अपनी ओनिंग ओपन हो रही है। दीपा पहले टेंट ओपन कर लो, पहले टेंट ओपन करो फिर उसके बाद ओनिंग ओपन करो। तो हम एक ही ओनिंग खोलने वाले हैं क्योंकि दो की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए एक ओनिंग खोलेंगे और दोनों टेंट ओपन करेंगे। बाकी स्टे करने वाले हैं, बढ़िया वाला कुछ बनाते हैं और डेकोरेट करते हैं। भाई इस वाली कैंपिंग को ग्लैम्पिंग बनाना है दीपा अपने को, एक नंबर। इतना फॉर्चुनेट इनफ थे कि भाई अपने को बढ़िया वाली लोकेशन मिल गई। हम थोड़ी दूर तक तो गए थे आगे पीछे सर्च करने के लिए, बट फाइनली अपने को एक बढ़िया लोकेशन मिल चुकी है। जल्दी से अपना टेंट सेटअप ओपन करते हैं और फिर आराम से बैठते हैं। और जो सर के दोस्त आए ना, उन्होंने यही रिजॉर्ट में नीचे स्टे ले लिया अपना, ये नीचे से जाके रास्ता है कहीं रिजॉर्ट का। इसका कलर चेंज कर दिया है क्या इस बार? रूफ है हमारी इस बार, ये है ऑरेंज। अच्छा अच्छा, ये वो तो नहीं है जो उसमें डिस्प्ले में लगा हुआ था? बिल्कुल वही है ना, बहुत बढ़िया लुक आती है भाई इसकी। बाकी यार आपको ना मॉर्निंग में दिखाएंगे जगह है ना, वो आपको दिन में ही दिखेगी। अभी तो पूरा सेटअप देख लो और हमारी ग्लैम्पिंग देख लेना, क्योंकि अभी हम बैठेंगे आराम से और चिल करेंगे, रिलैक्सिंग प्लस कैंपिंग होने वाली है। तो दीपक और ध्रुव लगे हुए हैं दोनों ओपन करने में, इसके बाद अपने वाला टेंट भी ओपन कर देंगे। मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे, वेदर बिल्कुल बढ़िया है। बॉनफायर तो करनी बनती है यार, कसौली में आए बॉनफायर नहीं किया तो क्या ही किया। सामने का व्यू तो मेरे को रात में भी बढ़िया लग रहा है, देखो भाई नजारे, और यहाँ से जस्ट नीचे खाई, यहीं तक रहना है बस रात में, इससे आगे नहीं जाना अपने को। पे भाई अपनी ओर्निंग ओपन हो रही है, जल्दी से ओपन करते हैं ओर्निंग को। दीपक तो रिलैक्स मोड में आ चुका है, पहले ही बहुत ज्यादा थक गया तो ड्राइविंग करके ना, लॉन्ग ड्राइव करी है ना दीपक ने, बहुत ड्राइव लॉन्ग नहीं थी बट ड्राइव बहुत ज्यादा हेक्टिक थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। संदीप सर तो अपने दोस्त के साथ बिजी है अभी, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हमें, तब तक हम पूरा सेटअप कर लेते हैं रेडी। थे हम कैंपिंग कर रहे थे राजपुरा में, तो ध्रुव ने देखा कि भाई हम सो नहीं पाए क्योंकि हम उसका टाइटल ही वही था भाई, क्योंकि हम पिलो नहीं लेकर आए थे। और ध्रुव ने तभी वो वीडियो देखते ही दो एक्स्ट्रा पिलो ले लिए, उठा लिए इनके पास ना सर। ये प्रोडक्ट ये क्या है आपके पास? है एयर पिलोज है, हम देते हैं, मे भी कहीं मिस हो गया हमसे तो ये तो एक तो सॉरी है। अच्छा, समझ आया, मैं कहा तो ये नहीं, और भैया ने कहा दिक्कत आई सोने में, तो याद आई तो मैं एक्स्ट्रा ले आया। यार ये बहुत अच्छी चीज है, और एयर पिलो है, एयर पिलो के अंदर ही जाएगा आपका, कोई स्पेस नहीं, ऐसे करके फुल कट के बताओ। ये तो भाई मतलब कैंपिंग के लिए ना एक एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सेटअप बता दो कैसा हो रखा है, काफी मतलब एकदम नजारे। ये देखो मून, ओए होए 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 भाई, मून को देख के तो ऐसा हो गया भाई तारे और आ जाए, और तारे की छांव में ध्रुव की बारात की विदाई हो करवा दे। सो गाइस अपना नेक्स्ट लेवल वाला जो ओवरलैंडिंग सेटअप है ना वो रेडी हो चुका है भाई, प्रॉपर लाइट्स वाइट्स लगा दिए हैं, बट एक लाइट वहां वाले टेंट पे कमी है, वहां वाली अभी मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाती है तो उसको भी सेटअप कर देंगे। और अपना ऑनिंग भी सेट हो चुका है भाई, अपना 270 डिग्री ऑनिंग हमने एक ही ओपन किया जो पजेरो पे लगा हुआ है, हमने ये वाला ओपन नहीं किया क्योंकि रात में जरूरत नहीं, दिन में जरूरत पड़ती है, अगर दिन में यहीं पे कैंपिंग करते हैं तो फिर ओपन कर लेंगे। बाकी अभी हम कुकिंग करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, मेरे पास राइस है, बॉइल्ड करेंगे राइस, प्लस
ध्रुव के पास एक और चीज है, वो है राजमा, और वो भी रेडी टू ईट, और राजमा चावल बनाएंगे भाई आज नाइट में। यार आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताओ कि यार आपको हमारा कैंपिंग का सेटअप कैसे लगा। भाई मेरे को तो मजा ही आ गया। तो आपके साथ पहली बार ही कर रहे हैं, हमने भी ऐसे कभी करी नहीं है। तो भाई अगर टेंट प्रोवाइडर ही ये बात बोल देना तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे दीपक क्या कर, भाई ये क्या चीज है दीपक? भाई ये है कैंपिंग के कम्फर्ट लेवल को बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए कैंपिंग बेड। तो ऐसे आराम से लेट करें, इतने मजा, मतलब हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भाई मून को देख रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है भाई। यार मून को देख ही लो आप पहले, ये देखो दीपक इस मून को देख रहा है, और किसको याद कर रहा है मून देख के? मून को देख के मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, मेरी आत्मा है ना। तू याद किसको कर रहा है ये बता बस। देखा चांद को, चांद से पूछा है मेरे यार साहसी, भाई मजे आ रहे हैं यार होटल में रुक के, ये फील नहीं आ सकती भाई। बॉनफायर स्टार्ट हो जाएगी अपनी। ओ भाई यहाँ पे लकड़ियां सेट कर रहे हैं, ये सबसे परफेक्ट चीज लगी मेरे को। आराम से आप अपनी इसको ओपन करो। इसके साथ एक प्रोडक्ट और है जिसके बारे में मैं बोल रहा था भाई, ओवरलैंड का एक नेक्स्ट लेवल वाले सेटअप लेके आ रहे हैं, और एक है ये है टेबल, ये है बेड, फोल्डेबल बेड है और ये फोल्डेबल टेबल है, परफेक्ट है भाई परफेक्ट। इसको भी यूज कर रहे हैं हम, और अपने पास दो चेयर है और लकड़ियां यहाँ पे आई गई है, तो बॉनफायर सेट करते हैं। फिर देरी किस चीज की गाइज? वेदर के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? वेदर को जितना ज्यादा हो सके ना उतना फील ले रहे हैं, मतलब दिल खुश हो रहा है बस। होटल में ऐसी चीज मिलेगी नहीं, ठीक है? ऊपर तारे आप भी बता दो, कैमरे में तो चलो दिख नहीं सकते, भाई नहीं देख सकते, ठंडी ठंडी हवा, एग्जैक्टली मतलब एक्सप्रेसिबल तो है ही नहीं। नहीं वेदर यहाँ का बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है, बहुत। बाकी भाई हमने यहाँ पे ना एक पॉट भी लगाया है, ये देखो कॉर्नर में, और इसके ऊपर अभी टेंट आना है, वॉशरूम टाइप रहेगा, ठीक। इसके साथ हम डिस्पोजेबल बैग्स यूज करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दीपक तो यार जब से लेटा ही हुआ है, क्या चक्कर है दीपक? उठने का ही मन नहीं कर रहा मैं। तो जल्दी से भाई अपना बॉनफायर सेट करो, अब बैठेंगे आराम से रिलैक्स करेंगे। इस वाले ग्लासेस डाल दे। सो गाइस हम बॉइल कर रहे हैं राइस, ये दीपक ने अपनी किचन स्टार्ट कर दी है, अपने पास राजमा प्लस छोले रेडी टू ईट है वो। हाँ अच्छा रेडी टू ईट वाले, चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट रहेगा काम। फ्लेम थोड़ी ज्यादा हो गई थी, पानी और डाल। लो जी भाई अपना बॉनफायर भी चल गया, और साथ की साथ अपना खाना रेडी हो गया क्या? जल्दी से बना यार, भूख लग रही है बहुत तेज मेरे को। दीपक राजमा छोटे वाले में रख दियो ना। Always wanted more, can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? Lo ji. अपने राइस भी बॉईल हो चुके हैं, इसमें ये चेक करना है भाई अच्छे ढंग से पके हैं या नहीं, अदरवाइज तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पूरी मेहनत लगी है यहाँ पे आने में। हमें तो शॉर्टकट मरवा के नहीं, इस पे लेट हो ना आती। नहीं बारबेक्यू में आज बन रहा है पनीर। और सर अपना इधर आओ, आप इंट्रोड्यूस कराओ ना, जिनका रिजॉर्ट है ना, आप बैठो आ जाओ इस पे। नाम गौरव है जी, मैं यहाँ विलेज सनावर से हूँ, नियर कसौली। मेरे यहाँ से कसौली, वी आर ऑन द मेन रोड, मेरे यहाँ से कसौली सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है। मेरे रिजॉर्ट का नाम रुद्र रिजॉर्ट है। रुद्र रिजॉर्ट, हाँ जी। और सर आज हमें पनीर खिला रहे हैं, लास्ट में आई। अच्छा, तो पनीर बाई चांस अभी 11 बज रहे हैं, तो पनीर बचा इतना है मुझे। कोई नहीं, मुझे ये तो बहुत है अपने लिए। बाहर की डिग्गी में लगाओ, और ये भी डिटेचेबल है। हाँ हाँ, ये मन ऐसे रहेगा। हाँ हाँ, ये अंदर चला जाएगा और ये जगह नहीं घेरता है बिल्कुल। और ये अभी हमने आज राइस भी बॉईल करे इसमें कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो मुझे नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, पे ले आया दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा। खीर चाने तू मीठा तो पाना, गुड़ का गुड़ भी पता आपको? पता है, सावन का महीना चढ़ा आज का, बोलो सावन रे महीने, खीर चाने तू मीठा तो पाना, गुड़ का धंधा करी रखे ब्याड़ा रे तये सुले छाने मलका, बोलो आज का दिन बीत गया, दिन तो आउना कल का, आज का ये दिन बीत गया, दिन तो आउना कल का, धंधा करी रखे ब्याड़ा रे तये सुले छाने मलका। मलका दाल की बात हो रही है।
सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग इन आवर टेंट। सोने का टाइम हो चुका है और दीपक तो ऑलरेडी जा चुका है भाई अंदर ही। कल सबसे लेट सोया है और आज सबसे पहले सो गया भाई। ओके ओके ओके। बाकी पिलो है भाई आज तो अपने पास, ये सही चीज है ना। चलो भाई सोते हैं और कल मिलेंगे आपको मॉर्निंग में, ठीक है? स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट। We'll be right back.